चांदपुर कोतवाली पुलिस ने ब्लॉक जलीलपुर अंतर्गत ग्राम मीरापुर खादर में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक अभियुक्त को भारी मात्रा में बने व अर्ध बने शस्त्रों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गुरुवार को चांदपुर कोतवाली प्रभारी लव सिरोही ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर जलीलपुर पुलिस चौकी इंचार्ज चंद्रवीर सिंह व कोतवाल लव सिरोही ने पुलिस बल के साथ ग्राम मीरापुर खादर में पहुंचकर शिवचरण के मकान पर छापा मारा, जहां पर भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित हथियार बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 3 तमंचे, 12 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 12 बोर के और अर्ध निर्मित शस्त्रों की बरामदगी दावा किया है। गांव मीरापुर खादर निवासी शिवचरण सिंह ने बताया कि उसके 2 अन्य साथी और हैं, पीतम पुत्र रूप सिंह निवासी मीरापुर खादर तथा सोनू पुत्र हरिया निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शिवचरण को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत चालान कर आरोपी शिवचरण को अवैध रूप से हथियार बनाने के आरोप में जेल भेजा जा रहा है। चांदपुर की पुलिस टीम ने गांव मीरापुर खादर में शिवचरण के मकान पर जब दबिश दी मुखबिर की सूचना पर, तो इन्होंने तमंचा बनाने वाली पूरी फैक्ट्री का संचालन करते हुए 3 अभियुक्तों को पाया, जिसमें से 2 मौके से फरार हो गए। शिवचरण को पकड़ लिया गया है। इसके 2 अन्य साथी पीतम और सोनू अभी फरार हैं। पुलिस टीम पकड़ने के लिए लगी हुई है। मौके से कुल 5 तमंचे, 5 कारतूस, 20 नाल और तमंचा शस्त्र फैक्ट्री को बनाने का जितना भी सामान होता है वो सब मिला है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है और इसके फरार साथियों को तलाश में पुलिस लगी हुई है। कुछ पता चल पाया है कितने से काम कर रहे हैं? सब पूछताछ की जा रही है और जो डिटेल्स आएंगे वो बताएंगे। पुलिस टीम को इनाम, पुलिस टीम को 2500 रुपये का इनाम।